हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी कि घर पर सिंपल कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बैक पार्ट काटूंगी और बाद में फ्रंट पार्ट काटूंगी। जैसे ये अखबार पे मैंने बैक पार्ट काट रखा है, सबसे पहले मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कि किस तरह से कटिंग करनी है। जो ये लंबाई रखनी है हमें कुर्ते में वो 6 इंच रखनी है, और जो ये आर्म होल की लंबाई रखनी है हमें 7 इंच। यहाँ से 7 इंच तक यहाँ हम मार्क लगा देंगे, ये 7 इंच तक। फिर जो ये मेरी ये चेस्ट की लंबाई होगी वो होगी 38 इंच, ये यहां से यहां तक। और जो कमर होगी मेरी वो है 17 इंच, और जो हिप्स की लंबाई है वो होगी 21 इंच, और यहां से यहां तक एक मार्क तो हम यहाँ पहले यहाँ से यहाँ तक 7 इंच पे मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ से आर्म होल से और यहाँ तक कमर तक 7 इंच, फिर 7 इंच से यहाँ से फिर 7 इंच चाक पर लगाएंगे। अब 2 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे, जो 1.5 इंच तो अंदर तुरपन में आ जाएगा और आधा इंच यहाँ से दबेगा। कटिंग जो करेंगे हम कपड़े को इस तरह से रख करके फोल्ड करके तब करेंगे। तो करना किस तरह से है, सबसे पहले 2 इंच पर, 2 इंच पर मैं यहाँ इस तरह से नाप ले करके मार्जिन के लिए ये इस तरह से निशान लगा दूंगी। इसमें से आधा इंच तो हमारा ऊपर आ जाएगा, दब जाएगा, और 1.5 इंच नीचे तुरपन में आ जाएगा। ये इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पहले। अब मैं इसकी लंबाई ले लेती हूँ, जो मेरी कुर्ते की लंबाई होगी वो है 38 इंच। तो 38 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 इंच। फोर्टी इंच नापने के बाद हम यहां पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये इस तरह से मैं यहाँ तक इस तरह से ये हमने लगा लिया। अब 7 इंच में इस तरह से एक 7 इंच पर यहाँ निशान लगाऊंगी, और 7 इंच पर फिर यहाँ। अब हम इस तरह से नाप करके इधर भी 7 इंच, ये यहां तक इस तरह से लाइन खींच लूंगी। एक यहां और एक यहां,
इस तरह लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर ये यहाँ 6 इंच का नापेंगे। जो गला काटूंगी मैं वो 2.25 इंच पर। गले की जो हमारी चौड़ाई होगी 2.25 इंच और जो लंबाई होगी इस तरह से गले की वो होगी 5 इंच। पहले 2.25 इंच पर यहां पर मार्क लगाएंगे। इस तरह से और 7 इंच का ये हमारा ये मुड्डा है, आर्म होल कहते हैं जिसको। इस तरह से फिर 1 इंच का ये गले पर मैं इस तरह से ये निशान लगाऊंगी 1 इंच पर। फिर इसको हम इस तरह से राउंड शेप देंगे क्योंकि मुझे पिछला गला राउंड शेप में बनाना है और अगला गला मैं थोड़ा सा उसमें डिजाइन बनाऊंगी, तो इस तरह से इसको राउंड शेप दे देंगे हम। ये मैंने गला 5 इंच का रखा है, अगर आप बड़ा रखना चाहते हो तो बड़ा भी रख सकते हो। अब मैं मुड्ढों पर इस तरह से यहां तक 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अब हम इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे, इसको हमें राउंड शेप देनी है। अब जो ये यहां से यहां तक ये 2.5 इंच का काटना है। और जो चेस्ट की लंबाई मेरी 38 इंच थी तो 38 इंच का चौथाई हिस्सा हुआ, हम इस तरह से नाप लेंगे ये। थर्टी एट इंच और चौथाई हिस्सा इसका होगा 38 का चौथाई हिस्सा होगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में हम 1.5 इंच और प्लस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10.5 इंच ना 11 इंच सॉरी। इस तरह से हम 11 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। और जो मेरी कमर थी वो थी 70 इंच, तो 70 इंच का हाफ हुआ 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच में हम 1.5 इंच और प्लस कर लेंगे जो सिलाई में आएगा। तो ये 10 इंच हो जाएगा।
फिर हम यहाँ मुड्ढों से चाक के लिए 40 इंच पर ये निशान लगाएंगे। जो हिप्स थे वे 21 इंच थे, तो हम 21 इंच का हाफ लेंगे, 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 12 इंच हो जाएगा हमारा। अब मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। जो ये यहां से पहले हम ये 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले तो हम जो हम जितनी हमें नाप रखनी है कुर्ते की उतनी नाप रख लेंगे। फिर से एक लाइन यहाँ खींचेंगे, फिर 7 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे मुड्ढों के लिए, फिर यहाँ खींचेंगे, फिर 7 इंच यहाँ रखेंगे, फिर 7 इंच चाक के लिए यहाँ रखेंगे, कमर के लिए यहाँ। उसके बाद हम जितनी हमें फिटिंग देनी है और जितना मार्जिन रखना है उतना रखने के बाद तब इसमें कटिंग करेंगे। और ये जो मैंने गला लिया था वो 5 इंच लिया था, और जो ये राउंड शेप दी थी तो 1.5 इंच का यहाँ से यहाँ तक निशान लगा के तब राउंड शेप दी थी। और जो ये मेरा आर्म होल था, मुड्ढा, ये था 7 इंच। तो 7 इंच में मैंने यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच का निशान लगाया था, तब फिर इसमें मैंने ये गोलाई दी थी राउंड शेप में। और हम एक बात, तो हम 1/2 इंच यहाँ इस तरह से मुड्ढा की साइड को निशान लगाएंगे, जिससे ये मुड्ढे गिरते नहीं हमारे। फिर ये यहां से हम यहां तक ये निशान लगा देंगे इस तरह से। फिर इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। जितनी हम फिटिंग रखेंगे उसमें 1.5 इंच हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सिलाई फिटिंग तो हमारी यहाँ तक है, पर ये सिलाई में भी तो आएगा। ये इस तरह से हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। वो अब हम ये गला भी काट देंगे। और ये 1/2 इंच इधर से इधर को।
अब मैं ये तो मेरा बैक पार्ट हो गया, अब मैं अगले पार्ट की कटिंग करती हूँ। इसी तरह अब फ्रंट पार्ट में भी इसको इस तरह से हम मोड़ के रखेंगे ऐसे। ये इस तरह से मैंने ये फोल्ड कर लिया है। अब ये जो मैंने बैक पार्ट काटा था इस तरह से इसको रखना है। बिल्कुल ये हमें अच्छे से इस तरह से करके रखना है, इसमें सलवट ना आए। अब ये इस तरह से यहाँ तक मैं कटिंग कर लूंगी। इस तरह से ये कटिंग कर लूं। ये इस तरह से मैंने एक से कटिंग कर लिए हैं। अब हमें बैक पार्ट में करना क्या है? बैक पार्ट तो हमारा ऐसे ही रहेगा, फ्रंट पार्ट में करना गला किस तरह से कटिंग करेंगे, जिस तरह का आप गला बनाना चाहते हो उस तरह का बना लो। इसका ये मेरा फ्रंट बैक पार्ट हो गया। अब ये फ्रंट पार्ट, जैसे ये हमने यहाँ से यहाँ तक ये 7 इंच का मुड्ढा बनाया था, तो मैंने बैक पार्ट में तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच का निशान लगाया था। अब मैं फ्रंट पार्ट में ये तो 2.5 इंच का था बैक पार्ट में, फ्रंट में 1.5 इंच का इस तरह से ये निशान लगाऊंगी। फिर हम यहां से इसकी भी राउंड शेप देंगे इसको। और ये गला जो रखूंगी यहां तक ये रखूंगी मैं 6 इंच का आगे का। इंच पर इस तरह से मैं जैसे मैंने यहां से यहां तक 1.5 इंच का निशान लगाया, तो यहां से यहां तक भी 1 इंच का। ये मैं इसको इस तरह से इसकी इस तरह से शेप दूंगी इसको। अब मैं बस हमें इसमें यही करना है, पहले गला कटिंग कर लेंगे।
ये इस तरह से ये मेरा बैक, ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब मैं आपको इसकी बाजू काटना बताती हूँ किस तरह से काटेंगे। जो बाजू बनाऊंगी मैं, ये फुल बाजू का बनाऊंगी। इसमें यहाँ पर हम मेरी बाजू में जोड़ आएगा, तो जोड़ हम बाद में कर लेंगे, पहले हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से इसकी चार तय कर लेनी है। इसको हम बिल्कुल सीधा करके रखेंगे, जैसे इसमें सलवटें ना आए। जो मेरी ये बाजू की लंबाई होगी वो होगी 80 इंच, मतलब 18 इंच। 2 इंच मैं इसमें प्लस कर लूंगी मार्जिन के लिए, तो हो जाएगा 20 इंच। इस तरह से 2 इंच पर यहाँ ये मार्जिन के लिए आ जाएगा। यहाँ से ऐसे लंबाई रखूंगी मैं बाजू की 9 इंच। चाहे तो आप ज्यादा भी रख सकते हो, अगर आपकी आप थोड़ी लूज बाजू बनाना चाहते हो तो। इसमें भी काफी लूज हो जाएगी इस तरह से। जो मैं ये बाजू की गोलाई रखूंगी वो रखूंगी 5 इंच, और 5 इंच में 2 इंच मैं प्लस कर लूंगी, तो हो जाएगा ये 7 इंच। तो इस तरह 7 इंच पर मार्क लगाऊंगी। यहां पर 9 इंच पर, फिर 3 इंच में इस तरह से ये मैं इकसार कर लूंगी। फिर इस तरह से 3 इंच पर यहाँ, फिर इस तरह से गोलाई दे इसको, इस तरह से राउंड शेप में हम गोलाई देंगे। फिर जहां ये मैंने गोलाई रखी थी आगे की, तो इस तरह से कर देंगे इसको। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये हो गई हमारी बाजू, और जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम गले की पट्टियां काट लेंगे जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।